नमस्कार, मैं निकिता और स्वागत है आपका एनटीवी निष्पक्ष की स्वतंत्रता सीरीज के एपिसोड 2 में। ये बात सच है, अंग्रेजों के शासन के समय पुरुषों ने मूल रूप से कई बलिदान दिए, परंतु महिलाएं भी पीछे नहीं थी और उन्होंने भी भारत की आजादी के लिए कई बलिदान दिए। ऐसी ही एक महिला की कहानी लेकर आज हम आ गए हैं। हम बात करेंगे प्रीति लता वादेदार के बारे में, जो सूर्य सेना का हिस्सा बनी। सेना में उन्हें 7 से 10 युवकों की कमान सौंपी गई। प्रीति लता कई टेलीफोन और टेलीग्राफिक कार्यकालों और रिजर्व पुलिस लाइन के छापे और हमलों का हिस्सा बनी, जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे। उस समय में पहाड़ तली यूरोपियन क्लब नाम का एक ब्रिटिश विशिष्ट क्लब था। इस क्लब में एक बोर्ड लगा था, कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं है। इसे देख क्रांतिकारियों ने इस क्लब पर हमला करने का फैसला किया। 23 सितंबर 1932 को 21 वर्षीय प्रीति लता अपने समूह के साथ हमला करने निकल पड़ी, पर वो इस बात से अनजान थी कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। उस समय क्लब में लगभग 40 लोग मौजूद थे। 10:45 पर हमला शुरू हुआ। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। तभी प्रीति लता को गोली लग गई। उन्हें पता था हमले के बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वो पकड़ी जाएंगी और उन्होंने ब्रिटिश के हाथ ना आने के लिए साइनाइड की गोली निगल ली और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसी और भी बातें जानने के लिए बने रहे एनटीवी निष्पक्ष के साथ। धन्यवाद।